हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्या 8.3 चल रही थी, उसमें अपनों ने क्या पढ़ा था? चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ा था ना। क्या चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें अपने क्या पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18,000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित करने पर। अब वार्षिक रूप से संयोजित करना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, पहले अपने नोट कर लेते हैं। मेरे को दिया क्या है, मूलधन दे दिया, कितने है मूलधन, 18,000 रुपये। आपको 2.5 वर्ष के लिए यानी दर कितनी दी है, सॉरी टाइम दी है कितना, 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2, इसको सही करेंगे 2 × 2 = 4, 4 और 1 = 5, 5/2 में 2 वर्ष। दर कितनी दी है, 10% दी की है वार्षिक। जब आपको वार्षिक दर देते तो अपना चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, या चक्रवर्ती या सीधा लिखे मिश्र दर निकालने का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा 1 + 10/2 सो और टाइम या टी या एन लिख देते थे, ये आपका फॉर्मूला था। अगर आपकी दर थी हाफ ईयरली होती यानी अर्धवार्षिक होती तो क्या हो जाता, टाइम दुगना होता है दर, टाइम दुगना होता है दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो अपने करते हैं, अपने को निकालना क्या था, कुल राशि निकालनी है, मतलब मिश्र दर निकालना है और चक्रवर्ती ब्याज दोनों करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या निकालते हैं, मिश्र दर निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कितना है 18,000, एक दर कितनी है आपकी 10% बटे में 100, या तो आप सीधा लिख दो 2 सही 1/2, या क्या लिख दो आप इसका 5/2 लिख दो, एक ही बात है। इसके बाद देखते हैं क्या करोगे, 18,000 लिखा, अब कितना है ये 2 और आधा, यानी एक तो 2 बार आएगा, एक हाफ बार लिखेंगे, इसको अलग करके लिखेंगे 1 + 10/100 की पावर 2, और एक क्या लिखोगे 1 + 10 के क्या करोगे हाफ 1/2 में 100, पावर कितनी हो जाएगी 1। दर को अपने क्या करेंगे, आधा कर देंगे टाइम का 2 से मल्टीप्लाई। अब करेंगे क्या आ जाएगा 18,000, सीधा कर लो या यहाँ से काट भी सकते हैं 1 0 से 1 0 पर, लेकिन इजी है, लघुत्तम लिया कितना हो जाएगा 100 + 10/100, पावर कितनी हो जाएगी 2, इसका करेंगे 2 × 5 = 10, यानी 1 + 5/100, पावर कितनी है 1। करो सॉल्व, 18,000, 100 और 10 = 110, यानी 110/100, पावर कितनी हो जाएगी 2, इसका लघुत्तम 100, भाग देंगे कितना आ जाएगा 100 का गुना 1 से करेंगे, 100 का 100 में भाग देंगे 1 का गुना 5 से करेंगे 5। अब करो 18,000, इसको क्या लिख सकती है, 2 बार लिखेंगे, एक बार इसको याद भी रहने दो, इतना ही लिख देंगे 110/100 की पावर कितनी है 2, इसको जोड़ो 100 और 5 = 105, 105/100। अब करो 18,000 गुणा कितना हो जाएगा 110/100, फिर 110/100, फिर 105/100, जो कट रहा है वो काट देंगे। देखो 1 2 3 कितनी जीरो कट गई, 1 2 3 ये कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बच्चा क्या है 105/10 है, 11 × 11 और 18/10 कितना है 10। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं।
यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, देखो 18 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 105 बटे में 10। सिंपल क्या है, या तो आप काट लो, पर बेस्ट आपका ये रहेगा कि आप इसका गुणा कर लो, या काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 है, 2 के पारे से काटे, 2 पंजे 10, 2 नी में 18, अभी फिर कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 5, यानी 5 है, इसका इकाई अंक कितना है 5, तो 5 के टेबल से कटेगा, कैसे काटोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, क्या बन गया 21। कर दो गुणा, 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121 का गुणा 21 से फिर 9 से करो, कैसे करोगे, या तो 21 का गुणा 9 से कर लो, या 121 का गुणा पहले किससे कर लेंगे 21 से, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 2। अब क्या करना है, गुणा किससे रह गया 9 से, तो 9 से और गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 पंच 45, 45 और 3 48, 48 का 8 आंसर 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22,869 रुपये क्या बन गया आपका, मिश्र धन बन गया, 22,869 रुपये क्या बन गया आपका, मिश्र धन बन गया, मतलब मूलधन प्लस में क्या ब्याज, ये तो आपकी कुल राशि कितनी आ गई 22,879। आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो कैसे करोगे, 22,869 में से क्या करोगे 18,000 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें आप पहली बात क्या मिश्र धन बता दिया था, ब्याज खुद निकाल लेना। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, 62,500 पर डेढ़ वर्ष यानी एक सही एक बड़े दो वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित याद करना है। बताया था कि क्या हाफ ईयरली का है, पहले क्या था ईयरली का, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है दुगना करेंगे, और दर क्या हो जाएगी आपकी, रेट कितनी हो जाएगी हाफ, यानी 8% का हाफ करोगे। तो अपने क्वेश्चन करते हैं, मूलधन कितना है 62,500 रुपये, दर कितनी है 8% वार्षिक है, अपने को हाफ ईयरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है तो क्या करेंगे 8/2, 2 चौके 8% अर्धवार्षिक बन गई अब, ठीक है। फिर आपका क्या है, आपको टाइम दे दिया, समय दिया कितना, एक सही 1/2 वर्ष, मतलब 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष, पर क्या बोला था टाइम क्या होता है दुगुना, यानी 2 से गुणा करोगे, अब 2 से गुणा किया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3 वर्ष। अब करेंगे फॉर्मूला, क्या था आपका, मिश्र धन निकालने, मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100, क्या था 2n, अपने निकाल चुके हैं, जो कि या 2n लगा दो या 2t लगा दो, एक ही बात है। अगर आपको सीधा पूछता कि क्या ब्याज, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस का मूलधन कर सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप ब्याज, पर अपने को मिश्र धन ज्ञात करना है इसलिए मूलधन माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, करते हैं, करो, मूलधन कितना है आपके पास 62,500, 1 प्लस दर कितनी कर दी अपनों ने 4/2 कितना आएगा 100, टाइम कितना निकाल लिया, डेढ़ था दुगना किया, कितना हो गया 3, क्योंकि अपने ये कर चुके हैं ऑलरेडी, चाहो तो आप इसमें करके दिखा सकते हो, वरना कर चुके हैं, जरूरत नहीं है। 62,500 लघुत्तम लिया 100, कितना आ जाएगा 100 का गुणा 1 से किया, 100 एकम 100, 100 का 100 में भाग दिया 1, 1 का गुणा 4 से 4 एकम 4, पावर कितनी चल रही है आपकी 3 चल रही है। इसके बाद आगे देखें,
कितना हो गया 62,500। इसको जोड़ेंगे 100 और 4, कितना हो जाएगा 104 बटे में 100, पूरे की पावर कितनी है 3। करो इसको 62,500, इसका मतलब क्यूब का मतलब 3 बार हो जाएगा 104 बटे में 100 गुणा 104 बटे में 100 गुणा 104 बटे में 100। जो कट रहा है वो काट दो, 0 से 0 कट गया। अब क्या करें, कितना है ये 625 और ये कितना है 100। अगर 25 के पाड़े से काटे तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 और 25 का 4 से गुणा करोगे 100, यानी 25 चौका 100। 25 कितना आता है 625, मैं काट रही हूँ, 25 चौका 100 और 25 काट देंगे। फिर से देखें, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब देखो कुछ कट रहे हैं क्या, भाग दें इसमें करके देख लो, 104 में 4 का 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से उतारा 4, 4 6 24 कट रहे हैं पूरा। तो अगर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 26, इस 4 से काटे तो कितना आ जाएगा 26, यानी ये पूरा ख़त्म हो चुका है। आपके पास बच क्या गया 26 × 26 × 104। कैसे करोगे 26 × 26, अगर स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट 26 का 26 से गुणा करेंगे कितना आएगा 676। 26 की स्क्वायर होती है 676 गुणा में क्या करोगे 104। 676 का 104 से मल्टीप्लाई करो, साइड में कर लोगे 104 से, 4 6 24, 24 का 4 हांसल 2, 7 6 28, 28 और 2 30 का 0 हांसल 3, 4 6 24, 24 और 3 27। 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी करो 0 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आती है जो संख्या दी है, 1 का गुणा 6 से, 1 का गुणा 7 से, 1 का गुणा 6 से, कितना आ जाएगा 4, 0 का 0, 7 और 6 कितने होते हैं 7 और 6 13, 7 और 6 14, 7 और 6 13, 7 8 9 और 1 10 और क्या आ गया 6 6 और 1 7 हो जाएगा, कितना आ गया 70,304। 70,304 आपके पास आया क्या है, ये ब्याज आया क्या, नहीं ये आया आपके पास मिश्रधन, मिश्रधन आ गया 70,304। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना दिया आपको 70,304 और आपको क्या मूलधन कितना दिया है 62,500। इसको माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, सेम क्वेश्चन है, वो भी क्या है हाफ ईयरली से निकालना है, जैसे ये है इसी का डी क्वेश्चन है, सेम है, वो आप खुद करोगे, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।